नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ठाणे, मुमरा और दीवार डिवीजनों में 200 से अधिक अनधिकृत निर्माण। मुमरा वार्ड कमेटी एवं दीवार वार्ड कमेटी जो रिजर्व प्लाट एवं DP रोड में अनधिकृत भवनों का खुला निर्माण चल रहा है। अकेले दीवार वार्ड कमेटी क्षेत्र में ही 200 से अधिक अनधिकृत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्हें तत्काल ध्वस्त किया जाए और MRTP आंतरिक कार्यवाही करने के संबंध में आज ठाणे नगर आयुक्त और अपर आयुक्त को एक शिकायती आवेदन की दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए और यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो कांग्रेस युवा सेना के नेता सलमान रिजवी ने चेतावनी दी है कि वे नगर निगम मुख्यालय के सामने प्रोजेक्टर लगाएंगे और मुमरा दीवार वार्ड कमेटी के इलाके में अनधिकृत निर्माण का सीधा प्रसारण दिखाएंगे। अरे तो बीच में आपने देखा नहीं, वीडियो आया था कि महेश आर्य के कैबिन के अंदर नोटों की गड्डी कोई अधिकारी लेके दे रहा है, कोई लेके। देखिए, पुरावे के आप जांच बैठाए ना, हम आरोप लगा सकते हैं, हम आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं। आप जांच बैठाइए, हम तो CM साहब से निवेदन कर रहे हैं, कमिश्नर पे जांच बैठाओ, महेश आर्य पे जांच बैठाओ। क्यों नहीं उनको पद से हटा रहे आप? चार चार पोस्ट, वो भी इतनी बड़ी बड़ी, स्थावर का खाली उनके पास से पोस्ट हटा के आपने कोई कमाल नहीं कर दिया। अतिक्रमण तो आज भी उनके पास है। जो थाने शहर के अंदर धड़ल्ले से इलीगल काम हो रहा है तो उसका तो जिम्मेदार तो महेश आर्य है ना। अगर अतिक्रमण आपका चार्जेस तो बंद करवाओ ना काम भाई। क्यों नहीं बंद करवा रहे? उसका मतलब साफ जाहिर होता है कि महेश आर्य ने कितने सरकारी रिजर्व प्लॉट है आपके पास? कुछ आंकड़ेवारी है क्या? जिस तरीके से आप अच्छा है कि रिजर्व किए हुए थे जो 39 प्लॉट्स थे, में से बेहतर तो इनके पास आंकड़े होंगे। शहर विकास आपका है ना, नगर पालिका आपका है, कमिश्नर आपके हैं, अतिरिक्त आपका है। आप जाओ देखो शहर विकास में, खोलो कि कितने रिजर्वेशन प्लॉट्स शासन की तरफ से अवेलेबल हैं, केंद्र की तरफ से अवेलेबल हैं, क्या वो खाली हैं या उस पर बिल्डिंग बना दी गई है। अगर बिल्डिंग बनाई है तो उसको तोड़ो, वो काम आपका है। हम आपको जागरूक कर रहे हैं ना। 2016 के अंदर संजू जायसवाल साहब ने पूरे थाने के अंदर रोड वाइंडिंग का काम किया था। आज जिस तरीके से उन्होंने रोड वाइंडिंग उस टाइम पे की थी, कितनी बिल्डिंगों को तोड़ा था, कितने होटल्स को तोड़ा था, आज आप जाके सर्वे करें। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आइए मुमरा कौसा के अंदर, मैं आपको बताऊँगा किस बिल्डिंग को विपिन शर्मा जी ने तोड़ा था, संजू जायसवाल जी ने तोड़ा था। उसी जगह पे फिर से बिल्डिंग बन गई, उसी जगह पे फिर से होटल्स बन गए और उस रास्ते को बनाने के लिए, डामर डालने के लिए, कॉन्क्रेटाइजेशन करने के लिए, फुटपाथ बनाने के लिए 20 करोड़ से ज़्यादा निधि पास हुई, वो किधर गई? वो जगह पे तो फिर से बिल्डिंग बन गई, वो जगह पे फिर से होटल बन गए। तो ये 20 करोड़ से ज़्यादा निधि पास हुई वो गई किधर? तो इसका मतलब ये कि कमिश्नर ने भी लिया, महेश आर्य ने भी लिया, जितने प्रशासन के लोग हैं जो नगर पालिका के अंतर्गत काम करते, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे। अच्छा आप ये देखिए, इतने भ्रष्टाचार होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके पोस्ट के अंदर प्रमोशंस हो रहे। वो महेश आर्य जो एक लोकल सहायक आयुक्त था दीवा के अंदर, मुमरा के अंदर, कलवा के अंदर, उसको पूरे थाने का अतिक्रमण का चार्ज दे दिए, स्थावर का दे दिए। आप देखेंगे हाल ही में कुछ महीने पहले माहड़ा के अंदर घोटाला हुआ, पूरा फ्लोर उनकी अपनी बीवियों को दे के रखा था उन्होंने, इलीगल्स बीवियाँ हैं जो, उनको दे के रखा था। तो इनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठ रही? शायद ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कहाँ तो हो सकता है इनके ऊपर। मैं आदेश है, मैं निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री से, इनके ऊपर जाँच बैठाएँ और जल्द ही जल्द मुमरा कौसा कलवा थाने के अंदर अनधिकृत बिल्डिंग को बंद किया जाए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सोलापुर, बर्शी थाने का सिपाही 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बरसी थाने का एक सिपाही 40,000 रुपए रिश्वत लेते SCB के जाल में फंसा है। पुलिस कांस्टेबल हर्षवर्धन वाघमोड़े को एक अपराध में गिरफ्तार करने और तुरंत जमानत पर रिहा करने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। सोलापुर रिश्वतखोरी विभाग ने यह कार्रवाई की है कि बरसी तालुका के थाने में फरियादी व उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कांस्टेबल हर्षवर्धन वाघमोड़े ने इस अपराध में शिकायतकर्ता रिश्तेदारों को तुरंत गिरफ्तार करने और उसे जमानत पर रिहा करने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। समझौता करने के बाद 40,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया। कांस्टेबल वाघमोड़े को SCB की टीम ने 40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सोलापुर यांच्याकडून बार्शी तालुका पोलीस स्टेशन येथील पोलीस हवालदार हर्षवर्धन हरिचंद्र वाघमोडे
यांना 40,000 रुपयाची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेले आहे। सदर गुन्ह्यामधील जे तक्रारदार आहेत यांच्या विरोधात बार्शी तालुका पोलीस स्टेशन येथे 324, 327, 143, 147, 148 व इतर या कलमाप्रमाणे त्यांच्या विरुद्ध आणि त्यांचे इतर नातेवाईक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होता। आणि हे जे आलोचे आहेत नमूद आलोचे पोलीस हवालदार वाघमोडे हे सदर गुन्ह्याचे तपासी अंमलदार होते। सदर गुन्ह्यामध्ये लवकरात लवकर जामीन देण्यासाठी टेबल जामीन देण्यासाठी आणि गुन्ह्यामध्ये पुढील तपासामध्ये मदत करण्यासाठी यातील आलोसे यांनी तक्रारदार यांच्याकडे प्रथम 50,000 रुपयाची मागणी केलेली होती। पडताळणीमध्ये तडजोड यांनी 40,000 रुपयाची मागणी करण्यात केल्याचे ते निष्पन्न झाले आणि सापळा कारवाईमध्ये रोख रक्कम 40,000 रुपये लाच रक्कम घेताना त्यांना रंगेहात पकडण्यात आलेलं आहे आणि त्यांच्यावरती त्यांना ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया बार्शी शहर पोलीस स्टेशन येथे चालू आहे। सदर सापळा पथक कारवाई ही पोलीस निरीक्षक उमाकांत माडिक व आमच्या ब्युरोतील पोलीस अंमलदार आहेत यांच्या मदतीमध्ये करण्यात आली आणि सदर सापळा कारवाईचे माननीय पोलीस अधीक्षक श्री अमोल तांबे सर व माननीय अपर पोलीस अधीक्षक श्री सूरज गुरव सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णपणे पार पडण्यात आलेले आहेत। मी आपल्या मार्फतीनेच सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना आवाहन करत आहोत की अशा पद्धतीनेच आपल्याकडे कोणी जरी लोकसेवक स्वतः अगर त्याच्या मार्फत खाजगी सम कोणी जर लाच रकमेची मागणी करत असेल आपल्याकडे तर आमच्याकडे तक्रारी नोंदवाव्यात। प्रत्यक्ष येऊन अगर आमचा टोल फ्री नंबर आहे 1064 यावरती फोन करून आपण आपल्या तक्रारीची नोंद करावी। आइए देखते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में दंगों का जिम्मेदार कौन, सामना में शिंदे फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में बीते दिनों जातीय और धार्मिक दंगों की घटनाएं देखने को मिली है। इसको लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए मुख्यमंत्री शिंदे और गृह मंत्री फडणवीस की सरकार पर कड़ा हमला बोला है। सीधा आरोप लगा तो एक कहा कि बीजेपी का दंगे बड़का कर राजनीतिक रोटियां सेकना धंधा पीढ़ियों से चला आ रहा है और चुनाव नजदीक आते ही इस धंधे के निवेश में बढ़ोतरी की जाती है। सामना में कहा ऐसे निवेशक अब हमारे राज्य में घुस गए, इसलिए हमें महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में अकोला में एक सोशल मीडिया पर विवाहित पोस्ट को लेकर दंगा भड़का तो वही दूसरी ओर मंदिर में जबरन एक समुदाय के लोगों का घुसना और शिवलिंग पर चादर चढ़ाने के प्रयास के बाद स्थिति तनावपूर्व हो गई। शेगांव में भी हिंसा की घटना हुई। यह छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में निकाले गए जुलूस के दौरान दंगा भड़का जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस घटना में पुलिस वाले भी जख्मी हुए। बोपू बजाकर राजनीतिक सामना में कहा कि ऐसे निवेशक अब हमारे राज्य में घुस गए, इसलिए हमें महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। लेख में लिखा अकोला में फिलहाल धारा 144 लागू की गई है, फिर भी पूरे शहर में इस हिंसा के कारण भय का माहौल है। वही मंदिर में चादर चढ़ाने की घटना पर सामना में लिखा कुछ मुस्लिम मंडली ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के उत्तर दरवाजे से अंदर घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी दंगा तनाव भड़काऊ महामंडल ने इस पर तुरंत अपने अपने बोपू बजाकर राजनीतिक जनजागृति का कार्य हाथ में लिया। प्रश्न धार्मिक भावना का है। सामना में आरोप लगा तो एक कहा गया कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को शुद्ध करने वाला और दंगे भड़काने वाला कारखाना है। महाराष्ट्र में दंगों की प्रयोगशाला खोलकर बीजेपी और उसके समर्थक सामाजिक समरसता को बिगाड़कर मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे। राज्य की जनता महाराष्ट्र के हित के लिए सावधान रहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।
स्टेट पर, और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।